सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता राजाओं और शिकारियों द्वारा शिकार होने की वजह से भारत से लगभग 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुका था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च करके प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 17 सितंबर 2022 को नवीबिया से 8 चीते और फिर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत के मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में लाए गए थे। आने के बाद एक मादा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। भारत के पास कुल चीतों की संख्या 24 हो गई थी। चीतों को लाने का मकसद था कि भारत में विलुप्त हो चुकी ये प्रजाति फिर से जीवित हो सके और हमारे जंगलों की शान बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे। लेकिन इस समय 24 में से 9 चीतों की मौत हो गई है, जिसका कारण डिहाइड्रेशन और गर्मी को बताया गया है, जबकि कुछ चीतों की मौत उनकी गर्दन पर लगे रेडियो कॉलर से हुए इन्फेक्शन से भी हुई है। लेकिन नामीबिया के बायोलॉजिस्ट ने बताया कि कुनू नेशनल पार्क में इतनी जगह नहीं है कि वो इतनी संख्या में चीते रख सकें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार की नज़रअंदाजी की वजह से चीतों की संख्या कम होती जा रही है और ये प्रोजेक्ट फेल होता दिख रहा है। अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो चीते दोबारा भारत से विलुप्त हो जाएंगे।